दोस्तों प्ले स्टोर तो आप जानते हैं, स्मार्ट मोबाइल इस एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं तो प्ले स्टोर के बारे में एक बच्चा बच्चा जानते हैं, मगर आपको क्या पता है प्ले स्टोर के अंदर जो छुपा हुआ सेटिंग जो कि आप नहीं जानते हैं। प्ले स्टोर तो जानते हैं और प्ले स्टोर से ये भी जानते हैं कि डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं कोई भी एप्लीकेशन और इस्तेमाल करते हैं, मगर ये जितनी भी प्ले स्टोर के अंदर सेटिंग दी गई है, मतलब जितना भी सेटिंग है, जो भी गुप्त सेटिंग है और जो भी काम की सेटिंग है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों कि प्ले स्टोर के अंदर छुपी हुई सेटिंग और जो गुप्त सेटिंग है तो उसे कैसे ऑन करते हैं और देखते हैं कौन सी सेटिंग है और कौन सी सेटिंग किस बारे में। तो जैसे ही प्ले स्टोर के अंदर आएंगे तो ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, मान लेते हैं आप चाहते हैं, मैं शुरू से कर रहा हूँ, मतलब इसमें क्या क्या है, तो जैसे कि माइनस एफ एंड डिवाइस, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा अभी बता रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन को सेंड करते हैं किसी और डिवाइस में, तो सैरिट ये क्या क्या इस्तेमाल करते होंगे आप, तो बगैर सैरिट इस्तेमाल किए हुए कि ये मोबाइल से, मतलब आपके फ़ोन से दूसरे फ़ोन में आप सेंड कर सकते हैं, ये ऑप्शन पहले नहीं था। अगर आपके मोबाइल में नहीं शो करेगा तो आप अपडेट कर लेना अपने मतलब मोबाइल को। तो जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे और दूसरी मोबाइल में रिसीव पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों ये पहले नहीं था, और अगर आपके मोबाइल में नहीं, मतलब आपके प्ले स्टोर में शो नहीं करेगा तो आप अपडेट कर लेना अपने मोबाइल को। तो देखिए आपके आपके मोबाइल से भेजना चाह रहे हैं दूसरे मोबाइल में, तो सेंड पे क्लिक करना है और दूसरे मोबाइल में रिसीव पे क्लिक करना है। तो बगैर एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए आप बहुत ही आसानी से प्ले स्टोर से ही एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों ये रहा जो कि प्ले प्रोटेक्ट, तो इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन, फालतू एप्लीकेशन, स्पाई एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करने का कोशिश करेंगे, आप खुद से भी इंस्टॉल करने का कोशिश करेंगे जो कि बैंड एप्लीकेशन, तो आएगा ही नहीं, मतलब अभी तो आएगा ये अगर सेटिंग को ऑन नहीं करेंगे। तो जैसे कि ये चक्री सा दिख रहा है तो यहाँ पर क्लिक करना है और ये दोनों सेटिंग को ऑन कर देना है। ये सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन फालतू एप्लीकेशन को स्कैन करेगा और आपको डाउनलोड करने से पहले ही शायद सर्च भी करेंगे तो दिखाएगा नहीं। तो इस तरह कोई भी एप्लीकेशन मतलब स्कैन करता रहेगा और जो भी एप्लीकेशन स्पाई है, मतलब आपके लिए यूजफुल, मतलब यूजफुल हो या कुछ भी हो, मतलब वो एप्लीकेशन मान लेते हैं स्पाई एप्लीकेशन है, आपके मोबाइल को स्पाई कर सकता है, तो उस तरह का एप्लीकेशन फालतू एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल करने का ऑप्शन ही नहीं देगा। और यहाँ पर स्कैन पे क्लिक करेंगे तो जो भी एप्लीकेशन आपके फोन में, जो भी स्पाई एप्लीकेशन जो कि डेंजरस होगा आपके डिवाइस के लिए और आपके लिए भी, तो यहाँ से स्कैन करके अगर आप मोबाइल से मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो इसे जरूर ऑन कर लें। और इसके बाद स्कैन पे क्लिक करके आप जान लें कि कौन सा एप्लीकेशन मतलब आपको स्पाई कर सकता है और फालतू एप्लीकेशन है, तो इस तरह स्कैन करके बता देगा। अब मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करने से पहले ये जरूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर से सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों प्ले पास पे क्लिक करेंगे और इसमें देखते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं जैसे कि आप गेम, जैसे कि आप गेम गेम को डाउनलोड करते होंगे, परचेस करते होंगे, तो इससे क्या होता है, अगर आप इस तरह के मतलब कोई भी एप्लीकेशन, मतलब कोई भी मूवी प्ले स्टोर से कोई भी मूवी को बाय करते हैं देखने के लिए या रेंट पे लेते हैं या भाई डाउनलोड करने के लिए खरीदते हैं, तो इस तरह करने से पहले अगर इस तरह आप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन को खरीदते हैं, मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो पेड एप्लीकेशन होता है उसे इस्तेमाल करने के लिए आप पैसे देते हैं, तो इससे पहले ये बात जान लीजिए, जैसे कि एड भी नहीं दिखाता है वो भी एप्लीकेशन में ऑप्शन होता है। तो अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट प्ले स्टोर से ही आप खरीद लें, जैसे कि ये गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप जान सकते हैं, आप अभी बता रहा हूँ आपको, तो एड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे ऐड कर देंगे और कैंसिल किसी भी टाइम कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एनी टाइम किसी भी टाइम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे कि ये साल का देख सकते हैं $22 है। अगर आप भी इस तरह के मतलब एप्लीकेशन या मूवी देखते हैं खरीद कर, या कोई भी एप्लीकेशन को खरीदते हैं या पेड एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको सस्ता पड़ेगा और देख सकते हैं महीने का तीन बोले $2.5 है और साल का कितना है, तो इस तरह आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि ये कैसा है जो कि आप कोई भी मूवी या कोई भी मंथली या साल का आप प्लान ले सकते हैं, उसके बाद आप उनमें से हैं जो कि खरीदते हैं मूवी या प्ले स्टोर में जो भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आप पेड एप्लीकेशन इस्तेमाल करते होंगे, तो ये आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि कोई भी गेम, एक एप्लीकेशन नहीं, कोई भी प्ले स्टोर का आप ले लीजिए और उसमें एड भी शो नहीं करेगा वहाँ पर जो भी बता रहा था, और साल का लीजिए या महीने का लीजिए, उसके बाद महीने का लीजिएगा तो महीने के अंदर जो भी मूवी या जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे पेड, तो जो अभी वहाँ पर रेट दिखा रहा था $2.5, तो महीने वाले लेंगे तो सिर्फ उतना ही लगेगा आपको, चाहे जितना मन चाहे उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन पेड एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद जनरल सेटिंग पर क्लिक करेंगे और जनरल सेटिंग पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर अकाउंट एंड डिवाइस परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये काम की सेटिंग नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये रहा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, तो इसका मतलब है दोस्तों पहले जो ये छोड़ दिया, ये तो बहुत ही काम की थी। तो नेटवर्क परफॉर्मेंस, तो इसमें क्या देख सकते हैं, ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस, जैसे कि आप वाईफाई इस्तेमाल करते तो ओवर वाईफाई कर सकते हैं या इसमें एवरी टाइम, जैसे कि कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कौन सा नेटवर्क से करूँ या वाईफाई या डाटा से करूँ, तो आप अगर हमेशा वाईफाई चलाते हो तो वाईफाई से ही डाउनलोड करना चाहते हो तो वाईफाई पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों ऑटो अपडेट का ऑप्शन है जो कि मैं पहले से ही लगा रखा हूँ, ये रहा डोंट ऑटो अपडेट। तो इसका मतलब दोस्तों अगर आप डाटा इस्तेमाल करते हैं तो डोंट ऑटो अपडेट लगा दीजिए, क्योंकि ये क्या होता है आपका बैटरी भी सेव करता है और आप समझ सकते हैं आपका बैटरी भी सेव करेगा और उसके बाद आपका डाटा भी
सेव करेगा अगर डाटा इस्तेमाल करते हैं, तो डोंट ऑटो अपडेट लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका दोनों सेव करेगा, बैटरी और डाटा। तो आगे बढ़ते हैं, जो ऑटो प्ले वीडियो है इसे भी आप डोंट उसी तरह लगा दीजिए, डोंट ऑटो प्ले वीडियो। तो इससे क्या होगा, आपका बैटरी भी बचेगा और डाटा भी बचेगा अगर डाटा इस्तेमाल करते हैं तो, मोबाइल डाटा। तो जो सेटिंग पे पहले से चले गए थे जो कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, तो इसका मतलब है दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर में बच्चे हैं तो बच्चे बहुत ही शैतान होते हैं। तो क्या होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड लेकर और आप मतलब आपको चूना लगा सकता है कोई भी गेम गेम खेलने में, तो वो बच्चा बहुत ही आगे होता है। तो इससे क्या होगा, मतलब आपका आपके परमिशन पे अगर कोई भी आपके मतलब प्ले स्टोर से कोई भी गेम को खरीद नहीं सकता है, तो इससे क्या आपका पैसा बचेगा। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे और जैसे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे बटन पे ऑन करेंगे, अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड दे देना है। और जीमेल आईडी का पासवर्ड देने के बाद क्या होगा, जैसे भी कोई भी एप्लीकेशन को बाय करने का कोशिश करेगा कोई भी, या आप या कोई भी, तो जब तक पासवर्ड नहीं देंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। तो देखिए मैं छोड़ दिया हूँ इसलिए ये बटन मतलब बंद ही है, तो आपको कर लेना ऑन। तो देखिए फैमिली पे जाते हैं, फैमिली में जाने के बाद दोस्तों इसमें क्या है, जैसे कि आप पेरेंट कंट्रोल पे जाएंगे और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अगर बच्चे को मोबाइल देते हैं या बच्चे को पहले से फ़ोन दे रखे हैं, अपना नहीं उस मतलब पर्सनल फ़ोन आपके बच्चे को दे रखे हैं पहले से ही, तो आपके बच्चे के फ़ोन में ये सेट कर सकते हैं, जो कि ये रहा पेरेंट कंट्रोल और ऑफ ऑफ है अभी। और यहाँ पर ऑन करने के लिए आपको पिन दे देना है, जैसे कि मैं अभी दे रहा हूँ, देख सकते हैं 1 2 3 4, मतलब समझाने के लिए मैं दिया हूँ। और इस तरह फिर से री पिन दे देना है, मतलब फिर से कन्फर्म कर देना है, जैसे कि मोबाइल में लॉक लगाते हैं। तो इस तरह तो आप क्या होगा दोस्तों, जैसे सेट कंटेंट पे क्लिक करेंगे, ये रहा सेट कंटेंट, तो इस पर क्लिक कर नहीं, ये ऐप एंड गेम पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अगर बच्चा आपका क्या है कि 7 साल का ही है, ठीक है, तो 7 साल पे क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, 7 साल से ऊपर का जो कि 18+ से जो भी चीज़ होगा, जो भी एप्लीकेशन होगा, जो भी वीडियो गेम या कुछ भी होगा, तो मतलब आपके बच्चे के उम्र के हिसाब से ही दिखाएगा आपके उसी मोबाइल में, जो मोबाइल आप देंगे, चाहे अपना मोबाइल दीजिए, अपने मोबाइल में ये सिस्टम लगाकर ये सेटिंग ऑन करके सेव करके, या उनके मोबाइल में कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका बच्चा जितना साल का है उससे जो मतलब 7 साल से ये 18+ का जो भी चीज़ है प्ले स्टोर में, तो वो शो नहीं करेगा उसको। तो इससे आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो दोस्तों फैमिली में भी जान लिए, मतलब बाकी सेटिंग जान लिए, अब लास्ट में क्या बचा हुआ है, लास्ट में अबाउट पे क्लिक करना है। और अबाउट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, अबाउट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे में देख सकते हैं प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपका प्ले गूगल गूगल से अगर जैसे कि ये रहा चेक योर प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन, अगर ये आपका गूगल से नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर में ये आकर बता देता हूँ, जैसे कि डिवाइस इज सर्टिफाइड, तो ये अगर आपका गूगल से नहीं है तो आपका डिवाइस फेक भी हो सकता है। जैसे कि आप मोबाइल जो चला रहे हैं वो सिर्फ नाम है वो कंपनी का, और फेक भी मोबाइल हो सकता है, के टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह डिवाइस इज सर्टिफाइड नहीं है तो आप ध्यान दीजिएगा, जो जो भी ब्रांड आपके मोबाइल पे लिखा हुआ है उसी ब्रांड के अंदर जाकर, उसी ब्रांच में जाकर, जैसे कि रियलमी या एमआई लिखा हुआ है, तो उसी एमआई के ब्रांच में जाकर आपको बताना है कि ये मेरा ये क्यों ऐसा है, मतलब कि डिवाइस इज सर्टिफाइड क्यों नहीं है गूगल से। तो वो चेक करेगा कि ऐसा किस मतलब उसी कंपनी ने गलती किया या कोई और आपके साथ कुछ धोखा किया है। तो इसे ब्रांच में जाने से क्या होगा, पता लग जाएगा कि वो मोबाइल अब फेक है या सही है। इसमें डिवाइस इज सर्टिफाइड नहीं होगा तो इसका मतलब है आपका फ़ोन सिर्फ नाम के लिए, रेडमी या कोई भी मोबाइल, और काम के लिए नहीं है, क्योंकि जब सर्विस सेंटर में जाएंगे तभी पता चलेगा कि वो मोबाइल फेक है या रियल है। तो चलिए दोस्तों ये